अस्सलाम वालेकुम। आई होप से मेरी वॉइस आ रही होगी। अच्छा, आज का जो है ना, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है अर्थ लेयर। आप सबको पता है कि जो हमारा वन पेपर का जो सेशन चल रहा है, जिसकी आज थर्ड डेमो क्लास है, तो आप आज जो है ना, वो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, अर्थ के लेयर के बारे में। इसमें हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी केमिकल लेयर्स पढ़ेंगे, उसके मैकेनिकल लेयर्स पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब तो जितने भी आप लोगों के वन पेपर एमसीक्यूज मतलब आप लोगों के आते हैं, बेशक ये नहीं है कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आपके एमपीटी से अगर लेट्स सपोज आपको कोई एमसीक्यूज आया, तो हो सकता है कि वो यहाँ से बनाए गए हो। ठीक है, तो आपने ये करना है कि आपने चीजों को अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो है ना, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक भी दिखेगी, जिसके अंदर जो है ना, ये एक्सप्लेन किया गया, तो मैं आपको साथ साथ सारा कुछ समझाती जाती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है अर्थ की लेयर्स के बारे में। ठीक है, अब अर्थ की जो लेयर्स है ना, उसको डिवाइड किया गया है टू में। ठीक है, अर्थ की लेयर को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, यानी कि टू टू दो तरह से डिविजन की गई है। सबसे पहली है केमिकल लेयर्स और दूसरी है मैकेनिकल लेयर्स। ठीक है, केमिकल लेयर्स हैं और मैकेनिकल लेयर्स हैं। अब हम ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं कि केमिकल किस तरीके से है, उसकी प्रॉपर्टीज। और ये देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है पिक के थ्रू कि जो केमिकल्स हमारे पे केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल लेयर्स है, वो इस तरीके से डिवाइड की गई है। सबसे पहले है क्रस्ट, फिर है मेंटल, और फिर है उसके बाद कोर। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास फिजिकल लेयर्स है ना, वो बेसिकली डिवाइड की गई है लिथोस्फेयर में, एस्टिनोस्फेयर में। ठीक है, और क्या है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर, इनर कोर। ये मैं आपको सारा कुछ जो है वो डिटेल से बताती जाती हूँ जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना पीडीएफ। सबसे पहले जो है ना, वो हम पढ़ने लगे हैं केमिकल लेयर्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखें मतलब कि अब हमें जो नजर आ रहा है, अगर हम अपनी अर्थ के बारे में देखें ना, मतलब हमें ओशंस नजर आते हैं, हमें जो कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं, मतलब हमें लैंड का पार्ट नजर आता है, हमें पानी का पार्ट नजर आता है। तो ये सारा कुछ हमारे क्रस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मतलब क्रस्ट जिस तरह एक छिलके को कहते हैं ना, यानी कि ऊपर वाली बाहर वाली लेयर है, तो बिल्कुल के क्रस्ट वैसे ही है। इसकी कॉम्पोजिशन हम पढ़ लेते हैं। ये यानी कि ये बेसिकली जो हमारी क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है मतलब इसमें वैसे जो मेजर एलिमेंट है वो हमारे पास है एल्युमिनियम सिलिकेट का। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जो है ना, वो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि सिलिकेट के जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूड किए जाते हैं। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। आगे इसकी टाइप्स, अब आपने क्या करना है, आपने इनको याद करना है। समटाइम्स एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है कि भाई अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा जो है ना वो मिलता है, तो आपने इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको बात बताई थी कि भाई जब हम लोग क्रस्ट को देखते हैं तो हमें दो तरह के पार्ट्स नजर आते हैं, है और एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ये बात याद रखिएगा। एक मैं बात आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि देखिए ना, अगर हम लोग एक बात करते हैं कि भाई एक गैस है, ठीक है, अब लेट्स सपोज आप लोग अपने कमरे में जहां पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर जो है ना, वो छत के पास पास ऑक्सीजन मतलब फैलाई गई है कमरे में, और जो नीचे नीचे है ना, वो नाइट्रोजन है। ठीक है, यानी कि जो जमीन पर आ रही है वो नाइट्रोजन है, मैंने आपको सपोज करने के लिए कहा। ठीक है, अब जब अगर हम देखें ना, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ऊपर वाली मतलब जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से किस जगह पे ना स्पेसिफिक मिल रही है। मतलब हम एक लाइन नहीं ड्रॉ कर देते कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, उस जगह पर जाके इन दोनों का जो है ना वो मिक्सचर हो रहा है। ये चीज ना हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने भी इस तरीके से किया कि भाई उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट है, हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो ओशन क्रस्ट है ना, उसका भी हम नहीं बता सकते कि किसी जगह पर जाके वो 5 किलोमीटर है किसी, मतलब जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ठीक है, किसी जगह पर उसकी थिकनेस, ठीक है, यानी किसी जगह पर उसकी थिकनेस, अब जैसे ओशंस की है तो वो 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। अब ये नहीं पता कि भाई 5 से 10 किलोमीटर तक ही रहेगी, हो सकता है किसी जगह पे वो 6 हो, किसी जगह पे वो 7 किलोमीटर हो, किसी जगह पे 11 भी हो सकती है, मतलब आगे पीछे हो सकती है। उसी तरह जिस तरह के ओशन के किसी तरीके से है, ठीक है, ओशन का इस तरीके से बात करते हैं कि वो होती है 40 से 70 किलोमीटर तक। ठीक है, तो मतलब कि ये वेरी कर सकती है। अगर आप बुक्स वगैरह में भी देखेंगे ना, तो उसी जगह पर आप वहां पे लिखा होगा कि भाई ये मतलब किसी जगह पर 4 सेंटीमीटर वो किलोमीटर दिया होगा, ठीक है, तो किसी जगह पर जो है ना उन्होंने ज्यादा दिया होगा, किसी जगह पर उसको कम दिया होगा।
तो मतलब इसी से कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा मतलब कि ये भी हमने ये एक टॉपिक पढ़ लिया है क्रस्ट के बारे में, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, उसके बाद उसके टाइप्स देखी हैं, और फिर उसके बाद हमने उसकी थिकनेस पे बात की है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेंटल का पॉइंट जो है, सॉरी। अब मेंटल जो है, मैंने अभी आपको बात बताया बताई थी कि भाई क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो है ना वो मेंटल आती है। अच्छा जो मेंटल की कंपोजिशन देख लेते हैं, कंपोजिशन यहाँ पर हम सबसे ज्यादा मतलब इनमें जो मिनरल्स मिलते हैं, जो कंपोजिशन है वो किन किन एलिमेंट से है, मैग्नीशियम एंड आयरन से, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो दो केमिकल्स के भी नाम दिए हुए कि ये जो है ना वो हमें ज्यादातर मिलती हैं। नेक्स्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, एक्सटेंट टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर तक। मतलब ये चीजें आपने याद भी करनी है, आपने क्या करना है कि आपने नोटिस बनाने हैं वहां पर जो है ना, ये पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लिख के सारी चीजें याद करनी है, ताकि पेपर में कुछ भी आए तो आप उसको सोल्व कर सकें। अच्छा इसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर तक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिड बट बिहेव प्लास्टिकली ओवर लॉन्ग टाइम स्केल्स अलाउिंग फॉर कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है भाई। ये जो है वो सॉलिड भी है, ठीक है। आप मेटल की क्रस्ट है ना, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा मेटल की जो लेयर है ना, तो वो जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में होगी, मतलब ये वाली जगह है ना जिस तरह अभी येलो येलो से शेड आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मेंटल ज्यादा, और यहाँ पर जो मेंटल है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि नीचे जाएंगे तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती जा रही है। ठीक है, तो इसकी इसी की वजह से ये होता है कि कन्वेंशन करंट्स जो होते हैं ना वो इजिली हमारे पास मूव कर सकता है। नेक्स्ट है कोर। अब भाई कोर क्या थी, ठीक है, पहले पहले था हमारे पास क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद कोर आ गया है। अब कोर क्या है, कोर जो है वो किससे बनी हुई है, निकल और आयरन के, आयरन से बनी हुई है, ठीक है। किसी जगह पर आप देखेंगे आयरन, निकल और आयरन का अलॉय है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे। इसके अलावा लेयर्स के कौन कौन सी आती है, इसमें आउटर कोर आती है, इनर कोर आती है। अब ये बात आपने याद रखनी है भाई कि जो आउटर वाली कोर है ना, जो बाहर वाली लेयर है वो है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जैसे मेंटल में क्या है, नीचे जाएंगे तो वो लिक्विड हो जाएगी, लेकिन जो इनर वाली कोर है ना, जो मतलब इसका मेन कोर जिसे हम कह लें, वो सॉलिड फॉर्म में है। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये देखें ये क्या है, लिक्विड लेयर है, ठीक है, और ये क्या है, रिस्पॉन्स। इसी 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 लिक्विड लेयर की वजह से ही ना हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अगर आपने अगर आपको पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो किस तरीके से अर्थ की रेडिएशन को जो है ना वो हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो बुक करवा देती है, तो ये चीज आपको वो टॉपिक में मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इनर कोर। इनर कोर क्या है भाई, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और ये यहाँ पर जाकर ना बहुत ही ज्यादा इसका हाई टेम्परेचर होता है। और नेक्स्ट है थिकनेस कितनी है, ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, एक तो ये मिक्स भी हो जाती होती है, लेकिन ये कि जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको ये याद रहा करेंगे, ठीक है। अब जो आउटर कोर है वो है 2200 किलोमीटर्स, और जो इनर कोर है वो हमारे पास है 1230 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल या फिजिकल लेयर्स, ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है लिथोस्फेयर। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, LAM, ठीक है, लैम, पहले लिथोस्फेयर फिर एस्ट्रोस्फेयर मेसोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट इसमें जो आ गया है पहले है वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है इसकी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आ गई हैं, कि मैं आपको ना इसके बाद ओवरऑल एक ओवरव्यू भी दे दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जो लिथोस्फीयर है ना, उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, क्रस्ट आ जाती है और मेंटल का अपर पार्ट आता है, ठीक है। ये मैं आपको ना इसके बाद आपके लेक्चर के फौरन बाद आपको दिखाती भी हूँ ये कैसे है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल का जो है ना अपर पार्ट आ जाता है लिथोस्फीयर में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि ये रिजिड होती है, ब्रिटल होती है, ब्रोकन इन टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जाहिर बात है जो हमारी क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड की गई है, और ये बहुत ज्यादा रिजिड भी है। नेक्स्ट इसकी थिकनेस, ये 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये पार्ट होता है अपर मेंटल का, यानी कि अपर मेंटल का जो पार्ट से जो नीचे है, और लिथोस्फीयर से ऊपर वाला पार्ट है। ये मैं अभी आपको पिक में भी दिखा देती हूँ कि मतलब मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये चीजें हैं कंफ्यूज करने वाली, ठीक है। अब ये देखिए मतलब अगर यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ हम एक ही पिक को देख लेना, ठीक है,
अगर हम यहाँ पे एक पिक को देख रहे हैं, मतलब इसको इसका जो है ना वो माइंड में रखें, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक है। अब जो है लिथोस्फीयर क्या है, वो इस क्रस्ट को लेकर और मेंटल का जो अपर पार्ट है ना, वहां पे हमारे पास है लिथोस्फीयर, ठीक है। अब जो अपर पार्ट और क्रस्ट की, मतलब जो क्रस्ट है अपर पार्ट मेंटल का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है ना, वो हमारे पास आ जाता है एस्थिनोस्फीयर में, ठीक है। ये है लैम, मैंने आपको बताया था ना, लैम का वर्ड बताया था, ठीक है। ये आ जाता है एस्थिनोस्फीयर में, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या है भाई, मतलब उसमें आपने कोर का पार्ट जो निकलना, उससे ऊपर जितना भी पोर्शन बचता है ना, वो हमारे पास आ जाता है मेसोस्फीयर में, ठीक है। तो मतलब ये एक ही पिक से आपको चीजें याद होनी चाहिए, एक तो क्रस्ट, मेंटल और कोर आ गया है, दूसरा क्या आ गया है, लिथोस्फीयर, एस्थिनोस्फीयर और मेसोस्फीयर। चलिए अब हम स्लाइड पे जो है ना वो वापिस चलते हैं। अच्छा, मेसोस्फीयर, लोग जी मेसोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है लोअर मेंटल का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ द मेंटल बिलो द एस्टिनोस्फीयर, यानी एस्टिनोस्फीयर से जो नीचे वाला पार्ट है ये वो आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होती है, ये रिजिड होता है, कनेक्शन होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ये कितनी थिकनेस है, 600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। लास्ट में हमारे पास आ गया है आउटर कोर, ठीक है। लास्ट नहीं है, आउटर कोर क्या है, इसी कंपोजिशन में क्या आ जाता है, ये देखिए निकल और आयरन का लिक्विड है। ये आपने चीजें याद रखनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये चीजें वो है कि आप बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपके माइंड में खुद ही बैठ जाएंगी। बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इन चीजों को याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप बैठेंगे तो आपको पता होगा कि टॉपिक इसके अंदर यही चीजें हैं। अच्छा, ये देखिए जो हमारे पास आउटर कोर है ना, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये भी मैंने आपको बात बता चुकी हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर की वजह से होती है मेटल की। नेक्स्ट क्या है, इनर कोर। इनर कोर क्या है, इसकी कंपोजिशन में हमारे पास है आयरन और निकल है, ये यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में है, ये बात याद रखनी। इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ये हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा, और ये क्या करती है, इसी की वजह से जो है ना वो हमारे पास अर्थ का जो प्रेशर होता है सॉलिड का, वो ज्यादा जो है ना वो मेंटेन रहता है। चलिए लेक्चर आज स्टैंड हो गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछ लें। नोटिस जो है ना, जो पेड मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ये नोटिस। ये सारे अगर आप देखेंगे ना, जब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, मतलब हम लोग पेपर जब देखेंगे जाके, मतलब आप पेपर उठा कर देख लेना, तो वहां से आपको इसके इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, मतलब केवल वही वाले एमसीक्यूज, मतलब जो इस नोट्स से मेंशन है ना, तो वही वाले एमसीक्यूज जो है वो इन पेपर के अंदर भी मौजूद होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, फिर हम जो है वो क्लास एंड करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो आपको, चले ठीक है, मैं फिर क्लास एंड करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, कल जो है अब इंशाल्लाह हम कल की क्लास में मिलेंगे। अल्लाह।